क्लास नंबर 7 एडिशन टेबल्स जिसे हम हिंदी में जोड़ तालिका भी बोलते हैं। आपके चैप्टर में 1 टू 10 एडिशन टेबल दी हुई है। सो आज हम सीखेंगे कि हम एडिशन टेबल कैसे राइट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन टेबल ऑफ 1। ओके, 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू होता है 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 एंड 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 1 प्लस 6 equal to 7 and 1 plus 7 equal to 8, 1 plus 8 equal to 9 and 1 plus 9 equal to 10 and 1 plus 10 equal to 11। ओके, सो आप ये एडिशन टेबल ऑफ 1 थी। आपको क्या करना है, आप जिस भी नंबर की टेबल राइट करोगे आपको पहले 10 टाइम वो नंबर राइट करना है। जैसे मैं यहाँ पर एडिशन टेबल ऑफ 1 राइट कर रही थी इसलिए मैंने 1 को 10 टाइम राइट किया। उसके बाद प्लस का साइन नहीं यूज करना है, फिर आपको 1 टू 10 नंबर्स राइट करनी है, फिर इक्वल टू के साइन का यूज करना है एंड उसके बाद नंबर्स को ऐड करना है। जैसे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 एंड 1 प्लस 10 इक्वल टू 11। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आप एडिशन टेबल 10 तक राइट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एड एंड मैच। हमें यहाँ पर नंबर्स को ऐड करना है और जो राइट आंसर है उससे मैच करना है। तो यहाँ पर टू मैचिंग्स दी हुई हैं। हम फर्स्ट वाली मैचिंग देखेंगे, 4 प्लस 2 इक्वल टू होता है 6, तो हम इसे 6 से मैच कर देंगे। 6 प्लस 1 इक्वल टू होता है 7, तो हम इसे 7 से मैच करेंगे। 2 प्लस 0 इक्वल टू होता है 2, तो हम इसे 2 से मैच करेंगे। 4 प्लस 5 इक्वल टू होता है 9, तो हम इसे 9 से मैच करेंगे। 1 प्लस 7 इक्वल टू होता है 8, तो हम इसे 8 से मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको सेकेंड वाली मैचिंग भी कंप्लीट करना है।